अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं फिश ट्राई कर रही हूँ। तो आज ये फिश मैंने बनाई है, तो इसमें एक अजीब सी बात है कि ये जब बना रही हूँ मैं इसको, तो इसमें से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और समझ नहीं आता कि आवाज़ें क्यों आ रही हैं। तो ऐसा भी होता है ना कि फिश होती है कुछ समंदर के अंदर जो कुछ दुआएँ सुन लेती हैं, तो उस दुआ की वजह से ये फिश हमारी जैसे पक ले रही है। इतने पकाने के बाद ही ना इस फिश को अंदर से थोड़ी सी कच्ची ही रह गई है, सही से पक नहीं पा रही। तो ऐसे कौन सी दुआ है कि आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी दुआ है जो इस फिश ने सुनी है और इस वजह से इसे पक नहीं पा रही है? और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी दूर दूर तक ऑयल उड़ के गया है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, फर्श पर सारा ऑयल आया है और ये देखिए दीवार पर सारा ऑयल आया है किचन में से। ये देखिए, फिश बहुत ज़्यादा फ्राई हो चुकी है और देखें, लेकिन फिर भी मैंने अभी इसको बॉडी को चेक किया तो अंदर से ही थोड़ी कच्ची है। तो प्लीज़ मुझे उस दुआ का बहुत वो है, मैं चाहती हूँ कि मुझे वो दुआ पता चले कि ये कौन सी दुआ है ऐसी जिसके पढ़ने से कोई इंसान अगर सुन ले तो उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये फिश ने सुनी है समंदर के पास कोई दुआ इसने सुनी है जिसकी वजह से ये फिश नहीं बनी। अंदर से ये बॉडी इसकी कच्ची है, लेकिन ऊपर से ये देखे कितनी प्यारी सी बन गई है ज़बरदस्त, लेकिन अंदर से कच्ची है अभी, क्योंकि बहुत सारी फ़िश मैंने अभी फ्राई की थी तो वो भी अंदर से कच्ची थी, तो बहुत ज़्यादा उनको फ्राई किया जब जाके वो बनी है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना? जिसको भी पता हो, प्लीज़ जिसको भी पता हो इस दुआ के बारे में कि इस दुआ को सुनने से कोई भी इंसान अगर सुन ले तो उसके साथ कोई हादसा नहीं हो सकता। और इस फिश ने सुनी है वो दुआ मुझे नहीं मालूम। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कौन सी ऐसी दुआ है जो इस फिश ने सुनी है, ये इतनी ज़्यादा सीख गई है बहुत ज़्यादा, लेकिन अंदर से कच्ची है। अभी मैंने कितने फिश के पीस है जो फ्राई किए हैं जो अंदर से कच्चे रह गए, फिश जल गई है लेकिन पकी नहीं, अल्लाह की शान देखें। तो जिसको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। और आज की मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पता चले कि वो कौन सी ऐसी दुआ है जिसकी वजह से ये ऐसा हुआ है। और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ भी इसको शेयर करिएगा, ताकि आप लोगों को भी नॉलेज में आपकी भी इजाफा हो। और मेरी वीडियो को आप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कि वो कौन सी ऐसी दुआ है। जिसको पता हो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ओके, अल्लाह हाफिज़।